भाग 26। आना को लड़खड़ाते देख ऋत्विक उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका आगे बढ़ना बेकार था क्योंकि तब तक आना जमीन पर गिर चुकी थी। आना एक झलक अपना सर घुमाकर पीछे खड़े ऋत्विक को देखती है तो ऋत्विक जो कि उसे देख ही रहा था उसकी हंसी निकल जाती है और वो ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। ऋत्विक को इस तरह हंसते देख आना घूर कर उसे देखती है और बिस्तर का सहारा लेकर उठते हुए बोलती है, आप हम पर हंस रहे हैं ऋत्विक जी? जी नहीं, हम तो आपके गिरने पर हंस रहे हैं, ऋत्विक अपनी हंसी दबाते हुए बोला। तो ये सुन आना ने एक बार फिर ऋत्विक को घूर कर देखा और फिर नजरें फेर बोली, आप हमारे गिरने पर हंसे या हम पर हंसे, बात तो एक ही होती है ना, आपको नहीं लगता आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है? वो बोल ही रही थी पर न जाने क्यों ऋत्विक की हंसी रुक ही नहीं रही थी। ये पहली बार था कि आज ऋत्विक आना के सामने इस तरीके से हंस रहा था। आपको समझ में भी आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यह हमारा बोलना बेकार है, आना झुंझलाकर बोली। ऋत्विक जी, जाओ, हम आपसे पहली बात नहीं करते। ये सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हर महीने आप लाखों में पैसा। इतना बोल जो कि उसकी बात पर अब कुछ सीरियस हो गया था अपनी हंसी रोक उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ उसे झटके से खींचकर अपने करीब कर लेता है। अब इस समय आना ऋत्विक के बिल्कुल करीब थी, उसके दोनों हाथ ऋत्विक के सीने पर थे तो ऋत्विक का एक हाथ उसकी कमर पर और एक हाथ उसकी गर्दन पर था। ये पहली बार था कि ऋत्विक ने उसे इस तरीके से पकड़ा था। आज सब कुछ अलग हो रहा था। आना उससे गुस्सा हुई थी, झुंझलाई थी और तो और नाराज भी हो गई थी। अपनी बाहों में लिए हुए जब ऋत्विक ने आना को देखा तो आना ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसके ऐसा करने पर ऋत्विक प्यार से उसे निहारते हुए बोला, आना आप सच में नाराज हो गई हैं क्या हमसे? ऋत्विक ने बड़े प्यार से कहा पर आना पर इसका असर नहीं हुआ। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, भला हम आपसे क्यों नाराज होने लगे? आपने थोड़े ही कुछ किया है, आप हंसिए ना, पर हमें बहुत काम है, छोड़िए हमें। आना की इस बात से पहले तो ऋत्विक संतुष्ट हो गया पर अगले ही पल जो आना ने कहा उसे सुन उसके चेहरे पर फिर चिंता के भाव आ गए। अब बात को रफा दफा करने के लिए उसने आना की बात पर गौर किया और फिर अपनी पकड़ आना की कमर पर कसते हुए कहा, अच्छा जी, हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको, और ऐसे भी क्या काम है आपको यहाँ पर, जरा हमें भी बताइए। ऋत्विक की इस बात पर आना हौले से अपने निचले होंठ को दबाते हुए एक नजर आसपास देखती है। उसने कह तो दिया था उसे बहुत काम है, पर यहाँ होटल रूम में उसे क्या ही काम होगा? अगर वो घर पर होती तो कई बहाने मिल जाते, पर यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। ऋत्विक जो कि आहना के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ चुका था अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाकर उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अगर आपको हमसे नाराज होना है तो हो जाइए, हमारे लिए भी मनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर यहाँ पर आपका सिर्फ एक काम है, हमारा ध्यान रखना, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत काम है, समझिए आप, मिसेस माहेश्वरी। ऋत्विक के इतने करीब होने से आना पहले ही असहज थी, पर इस बार जिस तरीके से ऋत्विक ने उससे ये बात कही थी, यहाँ तक कि उसका ध्यान रखने के लिए कहा था, आना का दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही ऋत्विक ने उस पर अपनी पकड़ ढीली की वो झटके से उससे अलग हो गई और तुरंत पीछे को हो गई। इस समय वो ऋत्विक से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। इन सब से बचने के लिए उसने तुरंत सूटकेस एक तरफ रखा और उसमें से अपने कपड़े लेकर फटाफट बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही ऋत्विक को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो वो अपने निचले होंठ को अपने दांतों से दबाने लगा और कुछ सोचते हुए दिल ही दिल में बोला, ये सब कुछ क्या किया आपने ऋत्विक, आपको खुद पर काबू रखना चाहिए था, पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी आपके बारे में, जब आपको पता है उनसे दूर रहना है, मोहब्बत से दूर रहना है, फिर आप क्यों जाते हैं उनके करीब। कुछ देर बाद ऋत्विक और आहना दोनों शाम का खाना खा चुके थे जो कि ऋत्विक ने कमरे में ही ऑर्डर कर लिया था, पर शाम की उस बात से दोनों ने अभी तक बात नहीं की थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। ऋत्विक और आहना दोनों बिस्तर पर लेटे थे, दोनों ही खामोश थे पर मन में कई सवाल थे। गलती आपकी है ऋत्विक, तो माफी आपको मांगनी चाहिए, आना सच में आपसे नाराज है, मोहब्बत से दूर रहना है माना, पर वो आपकी दोस्त और पत्नी भी तो है, इसलिए अब बिना वक्त जाया करे उनसे माफी मांग लो,
ऋत्विक खुद को खुद में ही समझा रहा था। तभी एकाएक पसरी खामोशी को तोड़ते हुए वो बोला, आना वो दरअसल शाम को हम, ऋत्विक बोल ही रहा था कि आना बोली, चिंता मत करिए, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, वो बातें तो हम कब की भूल गए, वैसे भी मजाक दोनों तरफ से था। ये बोलकर आना शांत हो गई तो ऋत्विक उसकी तरफ पलटा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप उस बात को नहीं सोच रही थी तो फिर तब से शांत क्यों है और हमसे बात क्यों नहीं की? हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हम यहाँ पर करेंगे क्या? आपके पास तो बहुत सारे काम है, केस की तैयारी कर लेंगे आप, पर हम यहाँ क्या करें? आना मासूमियत से बोली, जिसे सुन ऋत्विक बोला, अच्छा तो ये सोच रही थी आप, वैसे शाम को हमने बताया था ना आपके पास एक काम है हमारा ध्यान रखने का, पर अगर आपको ये नहीं करना तो आप हमारी केस में मदद कर दीजिएगा। वैसे भी इस बार का केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, बिरला कंस्ट्रक्शंस पहली दो पेशी में बहुत बुरी तरह से हारा है, अभी हमारे पास आखिरी मौका है और केस परसों सुबह है, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। ऋत्विक बोलकर खामोश हो गया। आपका ध्यान रखना हमारा काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमें अच्छा लगता है। और रही बात केस के बहुत पेचीदा होने की, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, आपने पहले भी इससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा केस लड़े हैं, हमने आपकी वीडियोस देखे हैं। तो ये स्कूल टॉपर्स की तरह मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, एग्जाम से पहले के ड्रामे बंद करिए आप, और अगर वक्त बहुत कम है तो उस काम पर लगिए, ना कि उसके बारे में सोचने पर। आना ऋत्विक को समझाते कम डांटते हुए बोली, हम स्कूल टॉपर्स की तरह ड्रामे नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, केस काफी ज्यादा पेचीदा है। ऋत्विक बोल ही रहा था कि आना ने प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, हम जानते हैं, पर आप खुद ही सोचिए ना ऋत्विक जी, अगर केस पेचीदा ना होता तो क्या वो लोग आपके पास आते? नहीं ना, तो इसीलिए अब आप यहाँ वहाँ की बातें सोचना बंद करिए और आराम से सो जाइए, कल सुबह इस केस की तैयारी शुरू करते हैं साथ में, ठीक है? ऋत्विक जो इस समय आना को एक टक देख रहा था, उसकी आंखों में देखते हुए सर हाँ में हिलाते हुए हामी भर देता है, तो आना हौले से उसके सर पर हाथ रख उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। आना ने ऐसा क्यों किया उसे नहीं पता था, पर उसे ऐसा करते हुए अच्छा लग रहा था। कुछ ऐसा ही हाल ऋत्विक का भी था, आना के ऐसा करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पलों में वो नींद की आगोश में चला गया, जिसके साथ ही एक सुकून उसके चेहरे पर उतर आया, जिसे देख आना मुस्कुरा दी और फिर वो भी उसे देखते देखते सो गई। अगली सुबह ऋत्विक सोफे पर बैठकर केस की फाइल पढ़ रहा था, आना चुपचाप से एक तरफ बैठी थी और यूं ही कोई दूसरी फाइल पढ़ रही थी। वो लोग सुबह 6 बजे ही उठकर केस के बारे में पढ़ रहे थे, पर अभी तक कोई सुराग उन्हें नहीं मिला था। ऋत्विक फाइल बंद कर अपनी पलकें बंद करते हुए बोला, पता नहीं कल क्या होगा, कितनी देर से पढ़ रहे हैं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिरला कंस्ट्रक्शन के कागज किसी और कंपनी के नाम हो गए पर मालिक कहता है कि उसने कोई साइन नहीं किया। अब सवाल उठता है, अगर साइन हेरा फेरी में लिए गए तो कब, क्योंकि वो तो बाहर गए हुए थे। ऋत्विक ने ये सब अपनी आंखें बंद किए हुए कहा था। आना जो कि उसकी बात सुन रही थी, फाइल साइड में रखते हुए सोफे के पीछे से ऋत्विक के करीब जाकर खड़ी हो गई और हौले से उसके सर पर अपने हाथ रख उसका सर दबाने लगी। ऋत्विक को जब किसी के नाजुक हाथों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस हुआ तो वो आंखें खोल ऊपर की ओर देखता है, तो आना एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए बोली, आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स एंड देन बिगिन। उसकी मुस्कुराहट में न जाने कैसी कशिश थी कि ऋत्विक अपनी आंखें बंद कर लेता है और आना हौले हौले से उसका सर दबाने लगती है। कुछ देर तक यूं ही आना उसका सर दबाती है, तभी एकाएक ऋत्विक उसका हाथ पकड़ उसे सोफे के पीछे से गोल घुमाते हुए अपने पास बिठा देता है और फिर उसे देखकर कहता है, थैंक यू, आप हमें तो थैंक यू बोलने के लिए मना करते हैं और खुद हमें ही थैंक यू बोल रहे हैं। वकील साहब, अपनी बातों से मुकरना आपको शोभा नहीं देता। ये बात आहना ने ऋत्विक की तरफ हल्का सा झुक उसकी टी शर्ट पर पड़ी सलवट को हटाते हुए कहा था। आना की इस बात पर ऋत्विक हौले से मुस्कुराकर अपने मन में बोला, कभी कभी सामने जब कोई आप जितना खूबसूरत हो तो ये दिल और दिमाग सब गुनाह करने पर भी मजबूर हो जाते हैं, फिर यहाँ तो पहले से ही आपकी गिरफ्त में है ये। आना अभी भी उसे ही देख रही थी कि देख वो अपना सर झटक उसे देखकर बोला, अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपको भूख लगी है?
क्यों आपको नहीं लगी? आहना ने तुरंत कहा तो ऋत्विक एक तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, जरा संभल कर दांव पेच खेलिए मिसेस महेश्वरी, आपका मुकाबला हमसे है। जहाँ खेल भी हमारा है और पासे भी हमारे, तो सीधी सीधी बात का सीधा जवाब दीजिए, आप पति हैं हमारे ऋत्विक जी, तो जो आपका हुआ वो हमारा हुआ है ना, इसलिए खेल भी हमारा है, ये पासे भी हमारे हैं और आप भी हमारे हैं, तो आपसे मुकाबला करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम आपके विरोधी नहीं साथी हैं, और बातें घुमा फिरा कर आपसे करने में मजा ही अलग है सच में। आहना की ये बात सुन ऋत्विक अपनी पलकें झुकाकर प्यार से बोला, जी ठीक है जो आप कहें, अब खाना खाने चलें, हम जानते हैं आपको बहुत भूख लगी है। चलिए, आहना ने कहा तो ऋत्विक ने हामी भर दी और उसके साथ रूम को लॉक कर बाहर की तरफ चल दिया। ऋत्विक और आहना कुछ मायनों में तो अब एक दूसरे के करीब आने लगे थे, बेशक इन दोनों के बीच प्यार ना सही, पर हाँ कम से कम पहले की तरह ऑकवर्डनेस तो मौजूद नहीं थी। अब दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात कह दिया करते थे, एक दूसरे के मन की बात समझ लिया करते थे, और सबसे जरूरी हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। रात तक फाइनली ऋत्विक अपने केस की पूरी तैयारी कर चुका था, अब उसे सिर्फ इंतजार था तो बस कल सुबह होने का। कोर्ट में पेशी का दिन, ऋत्विक बिल्कुल तैयार था, ब्लैक कोट पहने अपनी सारी फाइल्स अपने हाथों में लिए। वो बस जाने ही वाला था कि आहना ने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कह दिया। अब आहना ने कहा था तो ऋत्विक को रुकना ही पड़ा। आप क्या कर रही हैं आहू, हमें कोर्ट पहुंचने में देरी हो जाएगी। आहना को देर होते ही ऋत्विक ने थोड़े तेज स्वर में कहा, अरे पापा रुकिए ना, बस 2 मिनट आए हम, आहना ने कहा, और फिर कुछ ही पलों में अपने हाथों में कुछ लिए ऋत्विक के सामने आ गई। ऋत्विक ने जब उसे देखा तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। आहना के हाथों में एक कटोरी थी जिसमें दही चीनी थी। आहना ने चीनी को दही में मिलाया और एक चम्मच भरकर ऋत्विक की तरफ बढ़ा दिया, तो ऋत्विक ने भी प्यार से खा लिया। उसके बाद आहना ने उसे दूसरा चम्मच भी भरकर खिलाया और फिर प्यार से कहा, ऑल द बेस्ट वकील साहब, शाम को अच्छी खबर लेकर ही आना। भाग 27। आहना ऋत्विक को दही चीनी खिलाकर केस लड़ने के लिए विदा कर देती है। उसके जाने के बाद वो अकेले कमरे में बोर हो रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना सुधा को ही फोन लगा ले। इसलिए बिना उसने एक भी पल गंवाए अपना फोन उठाया और सुधा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कुछ रिंग में सुधा भी फोन उठा लेती है। आहना मुस्कुराते हुए बोली, हेलो। ओ मैडम को टाइम मिल गया मुझसे बात करने का, सुधा बातें बनाते हुए बोली। सुधा की ये बात सुन आहना एक पल को हंसी और दूसरे ही पल बोली, ऐसी कोई बात नहीं है सुधा। रहने दे तू, बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे जब भी फोन करो कभी उठाती ही नहीं है, याद नहीं आती क्या मेरी, सुधा शिकायती लहजे में बोली, जिसे सुन आहना बोली, सुधा भला कभी ऐसा हो सकता है कि हम तुझे भूल जाएं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, खैर चल छोड़िए बातें और बता क्या चल रहा है जिंदगी में, है कहाँ आजकल। सुधा बात को नजरअंदाज कर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जिसे सुन आहना भी मुस्कुरा दी और उसी लहजे में बोली, हम यहाँ राजस्थान अलवर आए हुए थे, परसों सुबह ही जयपुर आए हैं, ऋत्विक जी का कोई केस है यहाँ पर। तेरा सही है यार, जयपुर चली गई, याद है अपना ड्रीम प्लेस था ना जयपुर बचपन से हमेशा। सुधा बचपन की एक प्यारी सी मीठी याद को जीते हुए कहती है, तो आहना भी उसी याद में खोसी जाती है और फिर कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल याद है, बस साथ जाने की बात थी और हम यहाँ अकेले हैं, पर कोई बात नहीं बहुत जल्द साथ में भी आएंगे। ठीक, वैसे तुम कहाँ हो अभी सुधा? मैं तो अपने ही घर पर हूँ यार, शौर्य भाई का फोन आया था, कह रहे थे वापस आने वाले हैं, इसलिए मैं भी आ गई और पापा भी आने वाले हैं, सुधा ने कहा। शौर्य का जिक्र सुनते ही आहना के मन में काव्या उभर आई और वो प्यार से सुधा से बोली, अच्छा चल हम बाद में बात करते हैं, एक जरूरी काम है। हाँ जा तू, पर बीच बीच में फोन कर लिया कर यार, सुधा ने प्यार से पर इमोशनल होते हुए कहा। तो आहना मुस्कुरा कर बोली, अच्छा पक्का अब से तुझे याद से फोन करेंगे अब, ठीक? सुधा ने हम कहा तो आहना बोली, ठीक है फिर, लव यू बाय। लव यू टू, बाय बाय, सुधा ने कहा। तो आहना ने फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद आहना किसी गहरी सोच में चली गई। सुबह से कब दोपहर हुई, दोपहर से शाम, पता नहीं चला। शाम के समय आहना बेसब्री से ऋत्विक के लौटने का इंतजार कर रही थी, आखिर उसे भी इंतजार था
कि केस का हुआ तो क्या हुआ। उसने सोचा कि जब तक ऋत्विक नहीं आता तब तक वो क्यों ना फोन में ही कुछ देख ले। इसीलिए वो वहाँ के कुछ फेमस शोज देखने लगी। कुछ समय बाद आखिर उसका इंतजार खत्म हो ही गया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर आवाज सुन आना ने फटाफट अपना फोन एक तरफ रखा और भागकर दरवाजे के पास चली गई। सबसे पहले उसने की होल में से झांका तो बाहर ऋत्विक ही था, पर ये क्या, वो अभी उदास सा लग रहा था। आना उसके चेहरे को पढ़ने में इतनी रम गई कि दरवाजा खोलना ही भूल गई। जब ऋत्विक ने एक बार और दस्तक दी तब जाकर उसकी तंद्रा टूटी और फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ऋत्विक सामने था। उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी छाई हुई थी जिसे देख आना को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछना भी वाजिब नहीं समझा। उसने ऋत्विक के हाथ से फाइल और उसका कोट लिया, फिर एक तरफ होकर अंदर बढ़ गई। उसने फाइल को टेबल पर एक तरफ रख दिया और कोट को हवा लगाने के लिए बालकनी में डालने चली गई। हालांकि वो बेचैन थी पर खामोशी से अपना काम कर रही थी क्योंकि वो तो बस ऋत्विक को देखकर ही खुश थी और कहीं ना कहीं उसका मायूस चेहरा देखकर परेशान भी। कोट बाहर डालकर जब वो कुछ देर में वापस आई तो देखा ऋत्विक ने अपने शर्ट के आगे के कुछ बटन खोल लिए हैं, टाई ढीली की हुई है और अपना सर सोफे के बैक पर टिका आंखें मूंदे बैठा है। ये देख उसने एक गिलास में पानी डाला और सोफे पर एक तरफ बैठते हुए ऋत्विक की तरफ गिलास बढ़ाकर कहा, ऋत्विक जी पानी। आना की आवाज सुन ऋत्विक ने अपनी आंखें खोली और उसे देख ठीक से बैठते हुए उसके हाथ से पानी का ग्लास ले लिया। कुछ ही पलों के अंतराल और ऋत्विक ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। आना को कुछ कुछ अंदेशा तो हो रहा था कि शायद कुछ तो गलत हुआ है, पर उसने बिना किसी भी बात का निष्कर्ष निकाले सीधा ऋत्विक को देख स्पष्ट लहजे में पूछा, क्या हुआ है ऋत्विक जी, आप कुछ उदास से लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, आप तो ठीक हो, सर दर्द हो रहा है क्या या फिर कुछ और बात है, बोलिए ना, और केस का क्या हुआ। आना एक के बाद एक सवाल कर रही थी। दरअसल ये सब वो सवाल थे जो उसका मन तब से सोच रहा था पर वो कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया था। आना आगे बोल ही रही थी कि ऋत्विक ने उसकी बात को काटते हुए अपनी बुझी हुई आवाज के साथ कहा, हमने कहा था ना आना केस बहुत पेचीदा है, पर हमने बहुत कोशिश की और देखो हम केस जीत गए। ऋत्विक ने ये बात इतनी ज्यादा उदासी से कही थी कि आना का ध्यान उसकी बात पर गया ही नहीं और उसके चेहरे पर भी उदासी आ गई और वो अपना चेहरा झुकाकर पलकें बंद करके धीरे से बोली, कोई बात नहीं ऋत्विक जी, अब आगे क्या कहा जज ने। ऋत्विक आना की ओर देखता है तो पाता है वो काफी उदास लग रही थी, जिसे देख ऋत्विक उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। वही एकाएक जब आना का ध्यान ऋत्विक की बात पर गया तो वो चहक कर बोली, क्या, उत्सुकता भरे भाव से, क्या कहा आपने, हम क्या। ऋत्विक आना की बात को पूरा करते हुए बोला, जी सही सुना आपने, हम केस जीत गए हैं पहली ही पेशी में। ऋत्विक का ये कहना भर ही था कि आना के चेहरे पर गुलाब सी खिली हुई एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और एक झटके से वो उत्सुकता में ऋत्विक के गले से लग गई। ऋत्विक इसके लिए तैयार नहीं था, वहीं शायद आना को भी खबर नहीं थी कि उत्सुकता में उसने क्या कर दिया है। वो ऋत्विक के गले लगे लगे ही बोली, हमने तो आपको पहले ही कहा था ना ऋत्विक जी, आपसे हो जाएगा, पर आप थे कि स्कूल टॉपर जैसी एक्टिंग कर रहे थे, अब वही हो गया ना यहाँ पर, और जब केस जीत गए थे तो ऐसे मुंह लटका कर आने की क्या जरूरत थी, खामखा हमें डरा दिया ना। आना ऋत्विक से कुछ शिकायतें करती जा रही थी पर ऋत्विक को तो जैसे सुध ही नहीं थी। दूसरी बार था ये जब आना उसके गले लगी थी। हालांकि पहली बार आना खुद भी थोड़ी इमोशनल थी पर इस बार बात कुछ अलग थी। ऋत्विक के दोनों हाथ अभी हवा में ही थे पर आना अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। ये देख अनायास ही पता नहीं क्या सोच ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर ठहर गई, जिसके साथ उसने अपने हाथ आना की पीठ पर रख दिए। ऐसा होते ही ऋत्विक का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस करते ही एकाएक आना खामोश हो गई। उसे ध्यान आया कि वो इस समय किस स्टेट में है। उसने अपना चेहरा घुमाकर हौले से साइड किया तो ऋत्विक अपनी आंखें बंद किए था। ऋत्विक के चेहरे के इतना करीब आना को कुछ अलग लगा। वो मनी मन खुद को कोसते हुए बोली, ये क्या किया हुआ आपने, ओफो। ये सोचते हुए वो ऋत्विक की बाहों से आजाद होने की कोशिश करती है
तो ऋत्विक हौले से उस पर अपनी पकड़ कस देता है और धीरे से उसके कान के पास एक सरगोशी भरी आवाज में बोलता है, कुछ देर के लिए ऐसे ही रहिए ना प्लीज। ऋत्विक ने ये क्यों कहा था शायद वो खुद भी नहीं जानता था, पर आहना अब बाध्य हो गई थी। उसने खुद को उसकी बाहों में शांत कर लिया, पर अब कुछ अलग और नए नए से एहसास उसे घर करने लगे थे। हौले हौले उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, जिसका एहसास ऋत्विक को भी हो रहा था और यही बात उसे शांत कर रही थी। कुछ देर बाद ऋत्विक और आहना अलग हुए। जहां ऋत्विक के चेहरे पर एक सुकून पसरा था, तो वहीं आहना के गालों पर सुर्खी। वो अपनी पलकें उठाकर ऋत्विक को देख भी नहीं पा रही थी। ऋत्विक ने जब आहना की ऐसी हालत देखी तो अनायास ही न जाने क्यों उसके लबों पर एक बार फिर मुस्कुराहट खिल गई और वो धीरे से आहना की तरफ झुक कर बोला, हमें नहीं पता था केस जीतने का ऐसा भी इनाम मिल सकता है। ये क्या, ऋत्विक ने ये क्या कह दिया? ऋत्विक के मुंह से ये सुन आहना ने एक नजर उस पर डाली और अगले ही पल अपनी पलकें दूसरी तरफ फेर कर कहा, रेस्टोरेंट चले, भूख लगी है। इस समय सिचुएशन से बचने का उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने मासूमियत से यही बोल दिया, जी ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, हम भी चेंज कर लेते हैं फिर चलते हैं। ऋत्विक ने जैसे ही ये कहा अगले ही पल आहना उठी और फटाफट तेज रफ्तार से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आहना के जाते ही ऋत्विक सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए उस दिशा में देखने लगा जहां आहना गई थी और धीरे से बोल उठा, क्या हरकत कर रहे हैं आप ऋत्विक, इस हरकत के लिए तो आपका कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। आज पहली बार आपने आहना से और फिर खुद से ही, पर हम क्या करें, जब भी वो हमारे करीब होती है पता नहीं क्या हो जाता है, एक अलग सा एहसास इन आंखों में आ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खुद पर काबू नहीं रहता। ये सब कुछ इतना नया है पर इतना खूबसूरत है कि क्या कहें, ये एहसास तो हमें कभी रिद्धमा के साथ भी नहीं हुआ। माना मोहब्बत से दूर रहने की ठानी थी हमने, जिंदगी की राहें भी कुछ अलग पहचानी थी हमने, पर न जाने आप में वो कौन सी बात थी जो हर दफा हमारे दिल ने बगावत की थी हमसे, न चाहते हुए भी मोहब्बत की थी आपसे, वजह सादगी थी आपकी या थी मासूमियत ये तो हम भी नहीं जानते, शायद कशिश थी आपकी आंखों की या हिमाकत हम ये भी नहीं जानते, बस जानते हैं तो महज इतना कि साजिश थी ये आपकी आंखों की और हम गुनहगार हो गए, बिना छुरे के ही हम आपके कत्लेआम हो गए, आपकी सदा और आपकी वफा में कहीं खो गए और गुमनाम हो गए। अंदर वॉशरूम में आहना जो कि आईने में खुद को देख रही थी, वॉश बेसिन का टैप खोल दो तीन बार अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और फिर खुद को ही शीशे में निहारते हुए अपनी बढ़ी हुई धड़कन को शांत करते हुए बोलती है, ये सब कुछ क्या था महादेव, ये धड़कन ये सांसें ऐसे क्यों बढ़ रही हैं? ऐसा पहली बार भी हुआ है पर इस बार कुछ अलग था, ऋत्विक जी की आंखों में कुछ तो सच में अलग था, जिस लहजे में उन्होंने हमसे बात करी सब कुछ नया सा था, बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है, दिल में कुछ अच्छा सा भी लग रहा है और कुछ डर सा भी, पता नहीं क्यों पर उलझन सी भी हो रही है, आखिर ये सब क्या है महादेव और हम कैसे इससे निजात पाएं। रात को ऋत्विक और आहना दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से कमरे में लौटते हैं। आहना ये बात बखूबी नोटिस कर रही थी कि ऋत्विक की आंखों में कुछ तो अलग था, वहीं ऋत्विक अब खुद पर काबू करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसके मन में अंदर ही अंदर जो जंग छिड़ी हुई थी, आखिर उसका जवाब जो उसे मिल गया था कि हाँ वो आहना से मोहब्बत करने लगा है, पर फिर भी ऋत्विक ने इसे अपनी एक तरफा मोहब्बत ही बरकरार रखने का तय किया और अपने जज्बात खुद में ही समेट लिए। आहना और ऋत्विक दोनों अंदर आए, फ्रेश हुए और बिस्तर पर एक तरफ होकर बैठ गए। ऋत्विक ने आहना को परेशान देखा तो वजह जानने के लिए पूछा, क्या हुआ आहना, आप थोड़ी सी परेशान लग रही हैं, एनीथिंग सीरियस? जी वो दरअसल हमें आपसे कुछ कहना था और बात यह है कि, आहना अपनी सारी बात ऋत्विक को कह सुनाती है, जिसे सुन ऋत्विक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कुछ अलग से भाव उसके चेहरे पर ठहर जाते हैं। भाग 28। जी वो दरअसल हमें आपसे कुछ कहना था और बात यह है कि,
आहना अपनी सारी बात ऋत्विक को कह सुनाती है, जिसे सुन ऋत्विक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कुछ अलग से भाव उसके चेहरे पर ठहर जाते हैं। आहना की इस बात पर ऋत्विक सर नामे हिलाते हुए बोला, देखिए आहना, हमें आपको जयपुर घुमाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कल की कल ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों, आपका केस का काम तो हो गया ना, अब तो हम फ्री हैं, आहना ने तपाक से कहा। हाँ, काम से तो फ्री है, दरअसल हुआ यूं कि कल मिस्टर बिरला ने हमें अपने घर पर लंच पर बुलाया है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो उनके यहाँ से आने के बाद हम चले, ऋत्विक ने अपनी बात रखते हुए कहा। तो आहना ने सिर हिलाकर हामी भर दी और प्यार से कहा, हाँ हाँ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हमें से आपका मतलब सिर्फ आपसे ही है ना? जी नहीं, हमें से हमारा मतलब हम और आप हमसे हैं। ऋत्विक ने ये बात आहना की आंखों में देखते हुए कही, जिससे अनायास ही आहना का दिल धड़क उठा। वहीं आहना अपनी नजरें इधर उधर कर बोली, पर हम क्या करने जाएंगे वहाँ पर? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, वैसे हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप घबरा रही हैं आहना? ऋत्विक आहिस्ता से उसकी तरफ झुकते हुए बोला। तो आहना पीछे को होते हुए बोली, हम नहीं घबराते और ना ही घबरा रहे हैं, इसमें क्या घबराना, वहाँ जाना है, लंच करना है और बस हो गया। ये तसल्ली आप हमें दे रही हैं खुद को? ऋत्विक ने कहा। तो आहना ने एक पल ऋत्विक को घूर कर देखा और फिर मुंह टेढ़ा कर बोली, सो जाइए आप और हमें भी सोने दीजिए, शायद ज्यादा थक गए हैं। इतना बोलकर आहना एक तरफ लेट गई और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उसके ऐसा करने से ऋत्विक हौले से शायराना अंदाज में अपने ही मन में बोला, आपकी मुस्कुराहट क्या, आपके रूठ जाने के कायल हैं हम। हाँ, अगर मोहब्बत कहते हैं इसे तो जरूर, आपके प्यार में घायल हैं हम। एकाएक जब ये पंक्ति ऋत्विक के जहन में गूंज उठी तो उसने अपना सर झटक दिया और खुद से ही बोला, हाँ मोहब्बत तो हो गई है आपसे आना, पर हम इसे कभी जताएंगे नहीं, वजह भी साफ है, मोहब्बत की वफा में बहुत दर्द लिखा है और हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ हो, क्योंकि आपको तकलीफ में देख हमें बहुत तकलीफ होगी। अगला दिन लंच का समय, बिरला हाउस के बाहर। ऋत्विक जी, हमारा जाना जरूरी है क्या? आहना बाहर ही रुकते हुए बोली, जी बहुत जरूरी है और चलिए, कल तो आप कह रही थी कि आप नहीं घबराती और ना ही घबरा रही हैं, वहाँ जाकर करना ही क्या है, लंच करना है और आ जाना है, फिर आज क्या हुआ आपको? ऋत्विक उसे कल की बात याद दिलाते हुए बोला। तो आहना खामोश हो गई। आहना की इस खामोशी को देख ऋत्विक हौले से उसके करीब गया और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। ऐसा होते ही आहना ने ऋत्विक को एक नजर देखा तो ऋत्विक ने आंखों ही आंखों से पलकें झुकाकर उसे आश्वासन दिया, ट्रस्ट मी सब अच्छा होगा। ऋत्विक के इस जेस्चर पर आहना बस हौले से मुस्कुरा दी। डर तो था अभी भी कहीं, पर ऋत्विक का साथ भी तो था। बिरला हाउस के अंदर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सामने मिस्टर बिरला बैठे थे, उनके साइड में उनकी वाइफ मिसेस बिरला, तो इस तरफ ऋत्विक बैठा था और उसके साइड में आहना। ऋत्विक बहुत ही प्यार से सबसे बात कर रहा था, आहना थोड़ा बहुत बोल देती थी, बाकी शांति रह रही थी। तभी एकाएक मिस्टर बिरला ने मिसेस बिरला को देख कर कहा, आपके बेटे को तैयार होने का और कितना वक्त चाहिए, खाना ठंडा हो जाएगा। मिसेस बिरला इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि सामने से किसी की आवाज आई, सॉरी डैड, एक अर्जेंट फोन कॉल आ गया था, इस वजह से आने में देरी हो गई। ये आवाज सुनते ही आहना, जो अभी तक पलकें झुकाए बैठी थी, अपना चेहरा ऊपर कर लेती है और इधर उधर नजर दौड़ाने लगती है। इस आवाज से आहना की आंखों के आगे कुछ पुरानी झलकियां आने लगी थी और इसी के साथ उसके दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी। आ जाइए, आपके अर्जेंट फोन कॉल है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सार्थक, पर गेस्ट को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं होती, मिस्टर बिरला ने मजाकिया लहजे में सार्थक को डांटते हुए कहा। सार्थक, ये नाम तो आहना ने पहले कहीं सुना था। वो हौले से बस अपनी नजर सामने की तरफ करती है तो बस देखती ही रह जाती है। सामने सार्थक था, उसका सार्थक। आहना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही सार्थक था जिसे उसने स्कूल के दिनों के बाद कभी दोबारा नहीं देखा था। हालांकि अब वो काफी बड़ा हो गया था, स्मार्ट भी लगने लगा था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत छाई हुई थी। सार्थक आगे आया और उसने ऋत्विक को देख हेलो कहा और जैसे ही आहना पर नजर डाली उसकी नजरें थम गईं।
खुशी, शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर आने लगे थे, उसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। वहीं आना और सार्थक दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे और बाकी सब उन दोनों को। ऋत्विक समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आना सार्थक को इस कदर क्यों देख रही है, वहीं सार्थक भी उसे ऐसे क्यों घूर रहा था। तभी वहां पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए सार्थक के मुंह से लफ्ज फूटे, आहू। हाँ, ये सुनते ही अब आना बिल्कुल श्योर थी कि ये वही सार्थक है। सार्थक के इन लफ्जों पर आना नम आंखों और मुस्कुराहट लिए बोली, सार्थक? आहू यार, कहाँ थी तू? सार्थक ने इतना कहा ही था कि पता नहीं आना को क्या हुआ, वो अपनी कुर्सी से उठी और तुरंत जाकर सार्थक के गले लग गई। सार्थक ने भी उसे कसकर पकड़ लिया था। दोनों की ही आंखें नम थीं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहाँ मौजूद मिस्टर एंड मिसेस बिरला और ऋत्विक दोनों को ही देख रहे थे। जहाँ मिस्टर एंड मिसेस बिरला के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, तो वहीं ऋत्विक को आना का इस कदर सार्थक के गले लगना अच्छा नहीं लगा और इसलिए शिकायत उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। कुछ ही पलों में सार्थक और आना अलग हुए। सार्थक आना को देखकर बोला, तू यहाँ कैसे? सार्थक की इस बात पर आना एक नजर ऋत्विक को देखती है, जो उसके चेहरे पर अलग भावों को देख कुछ समझ भी गई थी। पर अगले ही पल वो ऋत्विक के करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, इनके साथ आई, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर ऋत्विक माहेश्वरी। आना की इस बात पर ऋत्विक के होठों पर अनायास ही एक मुस्कुराहट आ गई और वो हौले से अपना हाथ उठाकर आना के हाथों पर रख देता है। अब जाकर कहीं सार्थक की नजर आना की मांग में लगे सिंदूर, हाथों में पहनी चूड़ियां और गले में पहने मंगलसूत्र पर जाती है। ये देख सार्थक मुस्कुराकर बोला, बड़ी फास्ट है यार तू तो, शादी भी कर ली, मेरा वेट तो कर लेती। सार्थक की ये बात जहाँ ऋत्विक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वहीं आना शिकायती लहजे में बोली, क्यों करती तेरा वेट? जब हमने कहा था हमारे लिए वेट करना, तब तू रुका था। हम आए थे स्टेशन पर, हमने तुझे वहाँ बहुत ढूंढा, पर शायद तब तक तू जा चुका था। तेरे करके ना हम और सुधा बहुत रोए, इसीलिए वेट करने की बात तो तू कह ही मत। आओ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जानती है ना उस टाइम किन हालातों में मुझे स्कूल छोड़कर जाना पड़ा था। मैंने तेरा वेट किया था, पर जब तू नहीं आई तो मुझे जाना ही पड़ा, आई एम सॉरी। सार्थक ने हल्का उदास होते हुए कहा। अब उन दोनों में से कोई कुछ आगे बोलता कि मिसेस बिरला हल्की तेज आवाज में बोली, यहाँ चल क्या रहा है, कोई हमें बताएगा? मिसेस बिरला की इस बात से सार्थक को ख्याल आया कि उसने तो अभी किसी से कुछ बताया ही नहीं, और वो फिर हौले से मुस्कुराकर मिस्टर बिरला को देखकर बोला, इतने सालों से मैं जिसे ढूंढ रहा था वो खुद हमारे घर आ गई। उसने इतना कहा ही था कि मिसेस बिरला मुस्कुराकर बोली, वो आपके बचपन की दोस्त? जी मॉम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि किस्मत हमें कभी ऐसे भी मिलाएगी। सार्थक ने ये कहा तो आना बोली, इसका मतलब तू हमें ढूंढ रहा था क्या? हाँ, मतलब ये कि जब मेरे घर में सब कुछ सॉर्ट हो गया था तब मैं तुझे वापस मिलने आया था, पर तुम मुझे मिली ही नहीं। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि तुमने भी स्कूल छोड़ दिया है, सुधा ने भी, और तुम दोनों किसी अलग शहर में शिफ्ट हो गए हो। तुम्हारा एड्रेस उनके पास था ही नहीं, ना ही कोई फोन नंबर, इसलिए मैं कई सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये छोड़, ये बता सुधा कैसी है, उसने भी शादी कर ली क्या? नहीं नहीं, पर जल्द ही कर लेगी, आना ने कहा। तो सार्थक हंस दिया और बोला, उसका जल्द अभी तक आया नहीं, वो तो बचपन में ही शादी कर रही थी ना। हाँ, काफी बदल गई है वो, इसलिए इस बात को बोलकर अब उसका मजाक मत उड़ाना, आना ने कहा। तो सार्थक बोला, यार आहू, यकीन ही नहीं आ रहा कि तू मेरे सामने कितने सालों बाद आज। वो बोल ही रहा था कि आना उसकी तरफ बढ़ी और हौले से उसके हाथ पर चिकोटी काट ली। सार्थक हल्का सा चीख कर, पागल है क्या, सुधरी नहीं तू अब तक? तू भी कौन सा सुधरा है, अभी तक लड़कियों की तरह चिल्लाता है, आना हंसते हुए बोली। तो सार्थक भी हंस दिया और फिर बोला, अच्छा चल बैठ जा, लंच करते हैं, अब तो मिल लिए, मिलना मिलाना होता रहेगा, आना ने कहा। तो वो दोनों आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। एक मेड ने सब लोगों को खाना सर्व किया। टेबल पर भी सार्थक और आहना आपस में ही बातें कर रहे थे। ऋत्विक ने देखा आहना सार्थक से बात करते हुए काफी खुश लग रही थी। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी और होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट, जो कभी ऋत्विक के साथ भी बात करते समय नहीं थी। और भी तो न जाने
क्या क्या बातें ऋत्विक के जहन में आने लगी। मिस्टर एंड मिसेस बिरला भी आना के साथ अब काफी फ्रेंडली हो गए थे। लंच के बाद ऋत्विक ने सहजता भरे शब्दों में अब उनसे जाने के लिए कहा, तो मिस्टर बिरला प्यार से बोले, रुक जाओ ना बेटा कुछ देर, अब सिर्फ हमारे प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पर मिस्टर बिरला की बात पर ऋत्विक ने सहज शब्दों का इस्तेमाल करके कहा, बिल्कुल रुक जाते सर, पर दरअसल हमारे कुछ प्लान्स हैं, इसीलिए हमें जाना होगा। अच्छा ठीक है, जाइए, हम नहीं रोकते, पर आते रहिएगा और अपने साथ आहना को भी लाना। मिस्टर बिरला ने कहा तो ऋत्विक ने हामी भर दी और आहना को चलने को कहा। तभी आहना ने सार्थक से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आज पहली बार ऋत्विक को गुस्सा आ गया और उसने अपनी मुट्ठी भींच खुद को शांत कर लिया। भाग 29। आहना ने सार्थक को देख मुस्कुरा कर कहा, सार्थक तुम भी चलो ना हमारे साथ, आज हम जयपुर घूमने जा रहे हैं। ये सुनते ही ऋत्विक को गुस्सा आ गया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। पता नहीं क्यों पर ऋत्विक को आहना का सार्थक से यूं घुलना मिलना, उससे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ तो आहना ने उसे सीधा अपने साथ घूमने जाने के लिए पूछ लिया था। ये तो अच्छा हुआ किस्मत ऋत्विक के साथ ही थी कि सार्थक ने सर नामे हिलाकर प्यार से कहा, फिर कभी पक्का आऊंगा, आज एक जरूरी मीटिंग में जाना है और अगली बार जब मिलूंगा तो मुझे सुधा भी साथ चाहिए। चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, बट यू आर गोइंग टू मिस दिस, हाँ, आहना ने कहा तो सार्थक हंस दिया। और फिर कुछ ही देर में वो लोग बिरला हाउस से बाहर आ गए। कार का दृश्य। आहना काफी देर से ऋत्विक को अपने मन की बात बताए जा रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, सच कह रहे हैं ऋत्विक जी, पहले तो ऐसा लगा ही नहीं था कि यहाँ आकर हमें सार्थक मिल जाएगा। कितना अच्छा होता अगर वो भी हमारे साथ आ जाता तो। चलो पर कोई बात नहीं, उसका काम था जरूरी। ऋत्विक अब सार्थक की बातें सुन सुन कर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो एक झलक आहना को देख उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक पति पत्नी के बीच तीसरे को आना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो दोस्त हो या उससे भी कोई ज्यादा खास, यह हमारा समय है, हाँ या नहीं? आहना जो कि पहले ही अचानक ऋत्विक के करीब आने से असहज हो गई थी, उसके बदले हुए भाव देख कुछ समझ नहीं पाई और अपनी भमे उचका कर बोली, आपको अचानक क्या हुआ और हमारे बीच कौन आ रहा है भला? आहना की ये बात सुन ऋत्विक को एहसास होता है कि गुस्से में न जाने कब वो आहना से पता नहीं क्या बोल गया। ये महसूस कर वो वापस पीछे को उठता है और बिना भाव के सामने देखते हुए कार स्टार्ट करके कहता है, आई एम सॉरी, ध्यान नहीं था, पर छोड़िए इस बात को, और ये बताइए अब हम अपना ट्रिप शुरू करें जयपुर घूमने का? हाँ बिल्कुल, पर हम कहाँ जाने वाले हैं? आहना ने कहा। तो ऋत्विक कुछ सोचते हुए बोला, सबसे पहले हवा महल चलें। हाँ ठीक है, आहना ने खुशी खुशी हामी भर दी। आहना के चेहरे पर मुस्कुराहट देख ऋत्विक को अच्छा लगा, पर वो सार्थक के साथ हुई सारी बातें अभी तक भूला नहीं था, इसीलिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने गाड़ी में एफएम ऑन कर दिया। इत्तेफाक से वहाँ कोई टॉक शो चल रहा था जिसमें वो लड़की कह रही थी, प्यार के कई नाम होते हैं और हर मोहब्बत में ये सारे नाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। प्यार के कई नामों में से एक नाम होता है फिक्र, परवाह। जब ये आपको होने लग जाए तो समझ जाइएगा कि जनाब कुछ तो गड़बड़ है। प्यार के कई नामों में से दूसरा नाम है एहसास। जब आपको एहसास ही ना हो कि आप कब और क्या फील कर रहे हैं, बस जब आप उस शख्स के साथ हो और आप उसी में कहीं खोसे जाएं, तब आप प्यार की दूसरी सीढ़ी चढ़ चुके हैं। प्यार के कई नामों में से तीसरा नाम है जलन। ये जलन आपके सीने को अंदर तक झकझोर देगी। अगर आप किसी शख्स से प्यार करते हैं और वो किसी और को आपके सामने ज्यादा तवज्जो दे तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। और प्यार के कई नामों में से एक है इजहार। अक्सर यूं ही बेख्याली में जब आप खुद से ही इजहार करें कि हाँ आपको सच में मोहब्बत है, तो जनाब आप नकारने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुबारक हो, आप प्यार में पड़ चुके हैं। ऋत्विक जो कि टॉक शो सुनते हुए अपने मन के सारे एहसासों को जांचने परखने की कोशिश कर रहा था, जानता था कि उसे मोहब्बत हो गई है और वो उसे नकारता भी नहीं है, बस उसे एक तरफ रखना चाहता है। इसलिए उसने अपना सर झटक दिया और तुरंत एफएम ऑफ कर दिया। उसके एफएम ऑफ करने से आहना ने उसे घूर कर देखा और थोड़ी नाराजगी से बोली, अगर आपको कुछ हुआ है तो साफ साफ बता दीजिए,
ये साइलेंट वाला गेम हमारे साथ ना खेलें। लॉयर आप हैं, हम नहीं। हम चेहरे नहीं पढ़ पाते आपकी तरह। इतना अच्छा टॉक शो चल रहा था, आपने बंद क्यों किया? अगर आपको हवा महल घूमने से ज्यादा जरूरी टॉक शो सुनना लगता है तो ठीक है, फिर आप गाड़ी में बैठकर सुनिए, हम हवा महल घूम कर आते हैं। ऋत्विक ने सीधे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा और बाहर की ओर इशारा किया तो आना ने देखा बाहर हवा महल था, जिसे देख अनायास ही उसके लब मुस्कुरा दिए और वो हौले से अपना हाथ अपने कान के पास ले जाकर अपना कान पकड़कर बोली, सॉरी टॉक शो में कुछ ज्यादा ही खो गए थे। वहीं ऋत्विक जो उसकी इस मासूमियत का कायल हो चुका था प्यार से बोला, अब चलें? जी, आहना ने कहा। तो ऋत्विक और आहना दोनों गाड़ी से बाहर उतरे। ऋत्विक ने गाड़ी को पार्किंग लॉबी में पार्क करने के लिए दे दिया और वो लोग हवा महल की तरफ बढ़ गए। आहना के कहने पर ऋत्विक ने हवा महल के सामने उसकी बहुत सारी फोटोज खींची। उसे कुछ अजीब तो लग रहा था, पर जब तक आहना खुश थी वो भी खुश था। दोनों ने साथ में सेल्फी भी ली। उसके बाद वो दोनों हवा महल के सामने बने रेस्टोरेंट में चले गए, कुछ खाने के लिए नहीं बल्कि फोटोज लेने के लिए, क्योंकि हवा महल का पूरा व्यू सामने बने रेस्टोरेंट से ही आता है। कुछ देर हवा महल घूमने के बाद उन्होंने आमेर जाने का तय किया। लगभग आधे घंटे में ही वो बड़ी चौपड़ से आमेर का किला पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आहना बाहर का नजारा देख स्तब्ध रह गई। आमेर का किला देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। उसने ऋत्विक को देख प्यार से कहा, ऋत्विक जी, हम इसकी चढ़ाई कर सकते हैं? चढ़ तो सकते हैं, पर आपको नहीं लगता ये जगह ऐसी है जहाँ परिवार के साथ जाना चाहिए? सब लोग साथ में मस्ती करते हुए ऊपर चढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और जितना हमने पढ़ा है इसके बारे में तो ऊपर कुछ ऊंचाई पर एक मंदिर है जो बहुत खूबसूरत है, पर अगर आप यहाँ जाएंगी तो थक जाएंगी और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं जा पाएंगी, इसलिए फिर कभी जयपुर सिर्फ आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ घूमने आएंगे, ठीक है? ऋत्विक बात को समझाते हुए कहता है तो आना तपाक से बोली, ठीक है, पर फिर अगली जगह कौन सी है? जल महल, ऋत्विक ने कहा। तो आना एक नजर आमेर को देख धीरे से बोली, चिंता मत कीजिए, एक बार फिर आप तक जरूर आएंगे। इस बार खाली हाथ लौट रहे हैं, इसलिए अगली बार पूरे परिवार के साथ आएंगे, ओके? ऋत्विक आहना को आमेर के किले से बात करते देखता है तो मन ही मन हंस पड़ता है। आहना सच में बहुत मासूम थी। जब से ऋत्विक और उसकी शादी हुई थी, अब जाकर वो ऋत्विक के सामने खुली थी, पर अभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर ही किया करती थी। वो लोग कुछ देर बाहर ही आमेर घूमते हैं और फिर जल महल की तरफ चल पड़ते हैं। जल महल यहाँ से कुछ ही दूर पर था। जल महल की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में रानियां टी पार्टी वगैरह करने के लिए इस जल महल में आया करती थीं, जिसका रास्ता अंदर ही अंदर गुप्त है। ये जल महल चारों तरफ से पानी से घिरा है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है। कुछ ही देर में वो लोग जल महल पहुंच गए। तो जब तक ऋत्विक गाड़ी साइड में लगाता है, उतने में आहना गाड़ी से उतर कर आगे बढ़ जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ जितनी भी दूर निगाहें जाएं, हर तरफ पानी ही पानी था और उसके बीच में एक खूबसूरत सा महल। वो दृश्य देखने में इतना ज्यादा मगन थी कि ये भी नहीं देखती कि उसके साइड में एक आदमी बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ऋत्विक जब ये देखता है तो तुरंत आहना के करीब आने लगता है। तभी आहना भी झुंझलाकर उस आदमी को देखते हुए बोली, हाँ जी भैया, क्या दिक्कत है आपकी? ऋत्विक भी अब तक वहाँ आ चुका था। वो आदमी बड़ी ही सहजता से बोला, मैडम, हमारे पास रानियों के कपड़े और सारा श्रृंगार का सामान है, आप महल के बाहर फोटो खिंचवाना चाहती हैं? ये देखिए, कुछ फोटोज दिखाते हुए वो आगे बोला, एक फोटो 50 रुपए की, बाकी आपकी मर्जी है, आप कितने भी निकलवा सकती हैं। उस आदमी की बात सुन और फोटो पर नजर डालते हुए आहना की आंखें चमक उठी। उसने ऋत्विक की तरफ अपना चेहरा किया और बस अपनी पलकें उठा ही रही थी कि ऋत्विक ने उस आदमी से कहा, कहाँ पर चलना होगा? ऋत्विक ने कहा और आहना के चेहरे पर ये बड़ी सी मुस्कुराहट खिल गई, जिसे देख मन ही मन ऋत्विक हौले से बोला। एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर, फिर जानकर खुशी हुई कि वजह हम थे। आगे न जाने क्या सोच आहना ऋत्विक की एक बांह पकड़ लेती है और फिर उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है। ऋत्विक जो अचानक ऐसे आहना के हाथ पकड़ने से हैरान था, मन ही मन खुश भी हुआ। उसे आहना का खुद पर यूं हक जताना बहुत अच्छा लगता था। वो लोग 5 मिनट की दूरी पर ही आए होंगे
कि वहाँ पर एक झुग्गी जैसी बनी हुई जगह थी जिसके बाहर एक रस्सी टंगी थी और उस पर अलग अलग रंग के घाघरा चोली टंगे थे और दूसरी तरफ कई तरह के हार और बाकी सारा सामान था। आना को कुछ समझ ही नहीं आया कि उन सभी लहंगों में से वो कौन सा वाला ले। तभी ऋत्विक जो उसको यूं कंफ्यूज देख रहा था आगे बढ़कर हौले से उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके कान में बोला, वैसे तो आपकी मर्जी है पर आप पर लाल रंग बहुत जचता है। ये बोलकर ऋत्विक वापस पीछे को खड़ा हो गया और आना अपना लहंगा चुनने लगी। वो एक एक कर हर रंग देखती है, हरा, नीला, काला, गहरा गुलाबी, पर तभी उसकी निगाह जैसे ही लाल रंग के घाघरे पर जाती है उसके दिल की धड़कन अनायास ही बढ़ जाती है। उसे ऐसा एहसास होता है मानो जैसे ऋत्विक अभी भी उसके करीब, उसके चेहरे के बिल्कुल पास हो। वो उस आदमी को लाल रंग के लहंगे के लिए हाँ कर देती है तो वो आदमी उसे देखकर बोलता है, मैडम आप दोनों हाथ ऊपर कीजिए, हम ही आपको पहना देते हैं। पर हम खुद पहन सकते हैं, आना ने तुरंत कहा। आखिर वो अनकंफर्टेबल जो हो गई थी उस आदमी के ऐसा कहने पर। तभी वो आदमी अपनी बात समझाते हुए बोला, मैडम ये ड्रेस कपड़े पर पहनाई जा सकती है, आप बस अपने हाथों को ऊपर कीजिए, मैं पहना दूंगा। न जाने क्यों पर आना अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर एक नजर ऋत्विक को देखा तो ऋत्विक ने आंखों ही आंखों से उसे देखते हुए पलकें झुकाकर इस बात का एहसास कराया कि वो बेफिक्र रह सकती है, वो सब कुछ देख रहा है। तो आना ने भी अपनी पलकें झुका दी जैसे कह रही हो, अगर कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उस आदमी के कहने पर आना अपने दोनों हाथ ऊपर करती है तो वो आदमी उस घाघरे को जो कि एक तरफ डोरी से बंधता था उसे आना की कमर पर रख पीछे करके बांध देता है और फिर उसे ढीला सा छोटा कुर्ता पहना देता है। आना उसे पहन लेती है तो फिर वही सिल्वर कलर का बड़ा सा हार उसके गले में पहनाता है और फिर उसकी कमर पर एक बड़ा सा कमर बंद बांधते हुए उसके सर पर लाल रंग की चुन्नी रखता है। उस पर भी वो एक सिल्वर कलर का चूड़ा रखता है जो कि पूरा सर कवर कर रहा था और उसके चारों तरफ लगे हुए वो गोल गोल सिल्वर कलर के सिक्के उसके माथे पर आ रहे थे। आना फिर सिल्वर रंग की बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनती है और हल्के से मेकअप के साथ अब वो रानी के भेष में तैयार थी। जैसे ही वो खुद को एक नजर देखती है अनायास ही ये भूल कर कि वो कहाँ है, दो तीन बार अपना घाघरा लहरा कर घूमने लगती है। ऋत्विक उसको मुस्कुरा कर देखता है। तभी वो आदमी ऋत्विक को देख बोला, सर हमारे पास राजा वाले कपड़े भी हैं, अगर आप कपल फोटो चाहते हो तो हमारे पास उसका भी ऑप्शन है। उसकी इस बात पर ऋत्विक ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं हम ठीक हैं। पर तभी आना जिसके कानों में ये बात पड़ चुकी थी उस आदमी को देखकर बोली, भाई साहब आप कपड़े लेकर आइए, ये तैयार हैं। जी ठीक है, बोलकर वो आदमी अंदर उस झुग्गी में चला गया। तो वही ऋत्विक आना के पास आकर बोला, आपने उन्हें हाँ क्यों कहा, आप हमें कार्टून बनाना चाहती हैं। ऋत्विक की ये बात सुन आना उसी की बात पर जोर देते हुए बोली, आपको हम कार्टून लग रहे हैं क्या। ये सुन ऋत्विक एक झलक आना को सर से लेकर पांव तक देखता है और फिर सर ना में हिलाकर एक दिल का शाबाज में बोला, जी नहीं आप खूबसूरत हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। ये वो इतनी शिद्दत से बोला कि आना का दिल धक धक दो बार धड़क उठा। पर अगले ही पल खुद को संभाल वो ऋत्विक को देख बोली, आप ही अपने आप को कम मत समझना, बहुत हैंडसम है आप, वो अलग बात है हम आपकी तारीफ नहीं करते, इसलिए अब जाइए और तुरंत कपड़े पहन लीजिए, प्लीज ना हम साथ में कपल फोटो खिंचवाएंगे प्लीज। आना ये बात बहुत ही प्यार और मासूमियत से हौले से दांत डपट कर और जिद करते हुए कहती है। अब उसकी इतनी मासूमियत के आगे ऋत्विक कुछ कहां बोल पाता। जब वो आदमी कपड़े लेकर आया तो ऋत्विक ने ढीला ढाला लाल रंग का कुर्ता पहन लिया जो कि शिनेल कपड़े में था। फिर उसके बाद उस आदमी ने ऋत्विक के भी गले में एक हार जैसा कुछ पहनाया और तीन चार चीजें उसे पहना दी और फिर उन दोनों को जल महल के ठीक सामने अलग अलग पोज देने को कहा और उनकी प्यारी प्यारी तस्वीरें खींच ली। आना इन सब के लिए बहुत एक्साइटेड थी। कुछ देर में वो आदमी फोटोज निकाल कर ले आया। फोटोज सच में बहुत प्यारी आई थीं। कोई देखकर ये कह ही नहीं सकता था कि वो राजा रानी नहीं है। ऋत्विक ने उस आदमी को 300 रुपए दिए क्योंकि आना ने 6 फोटो निकलवाई थी। हालांकि आहना का मन तो नहीं था इन कपड़ों को वापस देने का, पर वो करती भी तो क्या, इसीलिए उसने कपड़ों को वापस दिया और उसके बाद ऋत्विक के साथ आगे बढ़ गई।
उन लोगों को घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। मौसम भी अब कुछ चढ़ने लगा था। ऋत्विक जैसे ही उसे वापस जाने के लिए बोलने वाला था, आहना की नजर आइसक्रीम कार्ट पर पड़ गई, जिसे देख आहना एक बार फिर ऋत्विक की तरफ पलटी और आंखों में चमक लाकर कुछ कहने ही वाली थी कि ऋत्विक ने कहा, चलिए। और आज एक बार फिर आहना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों आइसक्रीम कार्ट के पास आए तो आहना ने आइसक्रीम वाले से कहा, हमें एक चॉकोबार और एक वनीला कप दे दीजिए। फिर ऋत्विक की तरफ देखकर बोली, आप क्या लेंगे? ऋत्विक न जाने कहां खोए हुए बोला, आपको? जी, आहना ने चौंक कर कहा। तो ऋत्विक अपनी बात बदलते हुए बोला, जो आप ले रही हैं वही ठीक है भैया, फिर आप दो चॉकोबार और दो वनीला कर दीजिए, आहना ने कहा। तो आइसक्रीम वाले ने अपनी गाड़ी में से दो चॉकोबार और दो वनीला कप निकाल उसे दे दिए। ऋत्विक ने पैसे पूछ कर उस आदमी को पैसे दिए और फिर ऋत्विक और आहना आगे बढ़ गए। आहना अपनी चॉकोबार आइसक्रीम खाते हुए बोली, ऋत्विक जी, एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताएंगे आप? एक लॉयर पर शक कर रही हैं आप, हम झूठ नहीं कहते, पूछिए। ऋत्विक ने भी अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहा। तो आहना बोली, जब हम आपसे आइसक्रीम पूछ रहे थे तब आप कहाँ खोए हुए थे? आप में, ऋत्विक ने कहा। तो आहना मजाकिया लहजे में बोली, अच्छा जी, हम कोई भूल भुलैया थोड़ी हैं जो आप हमें खो गए, और भला आप हमें खोने क्यों लगे? आहना की इस बात पर ऋत्विक मन ही मन बोल उठा, क्योंकि आप खुद वो पहेलियां जिसमें हर कोई उलझना चाहे और कभी सुलझने की चाहत ना रखे। कितनी कोशिश कर रहे हैं इस मोहब्बत को एक तरफा रखने की, पर देखिए ना, हर बार नाकाम हो रहे हैं। पता नहीं क्या कशिश है आपकी आंखों में, इस चेहरे में, जो हम जिंदगी में वापस आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को एक बार फिर से खुलकर जीना चाहते हैं, पर आपके साथ, आपके बिना नहीं। वो खुद में बोल ही रहा था कि आहना बोली, फिर खामोश हो गए आप? अपनी आइसक्रीम खाते हुए वो आगे बोली, हमारे सवालों का जवाब दीजिए ना और आइसक्रीम खाइए, हमें पिघलती हुई आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, उसके साथ नाइंसाफी करना गलत है वकील साहब। जी, कहते हुए पहले ऋत्विक अपनी आइसक्रीम के दो तीन बाइट ले लेता है, जिसे देख आहना हंस देती है। फिर कुछ पल रुक ऋत्विक बोलता है, दरअसल हम आप में वो बोल ही रहा था कि एकाएक तेज हवाएं चल उठी। अभी तक जो मौसम बिल्कुल सुहावना हो रखा था, अंधेरे में छा गया। आसपास की दुकान वालों ने तुरंत अपनी सारी दुकानें समेटना शुरू कर दिया, पर वहीं जैसे जैसे मौसम बिगड़ता जा रहा था, आहना के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती जा रही थी, जैसे उसे कुछ इसी चीज का इंतजार था। ऋत्विक ने उसको मुस्कुराते हुए देखकर कहा, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? फटाफट गाड़ी में चलिए, बारिश होने वाली है बहुत तेज। जब आपको पता है बारिश होने वाली है तो फिर गाड़ी में चलकर क्या फायदा? हमने अभी आपसे कहा था, जैसे आइसक्रीम के साथ नाइंसाफी नहीं बरती जा सकती, ऐसे बारिश के साथ भी नाइंसाफी नहीं बरती जाएगी। आहना ने ये बात सीधे स्पष्ट लहजे में कह दी थी, पर ऋत्विक उसे ऐसे कैसे छोड़ता? उसने आहना का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे ले जाने को हुआ, पल भर में तेज रफ्तार से बारिश गिरना शुरू हो गई। आहना अपनी आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी, ऋत्विक की आइसक्रीम उसके हाथों में थी, जो बारिश की बूंदें गिरने से पल पल पिघलने लगी। तो ऋत्विक ने उसे साइड में फेंक दिया। बारिश अब काफी तेज हो चुकी थी, जिसे देख ऋत्विक बोला, क्या कर रही हैं आप आहना, चलिए ना, बीमार पड़ जाएंगी। अगर आपको इतना ही डर है तो आप जाइए, हम तो बारिश में भीगेंगे, आहना ने साफ साफ कह दिया और ऋत्विक से अपना हाथ छुड़ाकर अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर कर दिए। बारिश का बहता पानी जब उसके ऊपर से गिरा तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर उतर आई। वो लगभग पूरी तरह भीग चुकी थी, जिसे देख ऋत्विक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आसपास के कुछ लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। ये देख ऋत्विक ने गहरी सांस ली और आहना के करीब जाकर कुछ ऐसा किया जिससे आहना एकटक उसकी आंखों में देखने लगी।